बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जी हमारे दिन का आगाज़ हो गया है। हमने आज सारा दिन क्या किया, तो मैं आज आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ, तो देखते हैं। ये जी सफाई हो रही है घर की। ये जी आज सैटरडे का दिन है, साफ साफ सफाई हो रही है। बर्तन जो हैं वो मैंने सारे धो लिए हैं, बस एक चाय वाली देचकी रह गई या सिंक रह गया साफ करने वाला। इसके बाद मैंने लगानी है मशीन। ये हैं जी कपड़े और साथ में लगेगी आज मशीन। और इसके अंदर मैंने पहले वाइट कलर के दो डाले थे, तो इनको मैं शिफ्ट करूंगी इस वाले ड्रॉवर के अंदर। ये जो ड्रॉवर है ये इस तरह का होता है। एक ट्राउज़र था और एक शर्ट थी, ये गए इसके अंदर। चलें जी अब इसको मैं करूंगी ऑन। चलें जी अब रह गई ये वाली मशीन, इसके अंदर जाएंगे जी ये कपड़े। सारे तो नहीं जाएंगे लेकिन थोड़े थोड़े इसके अंदर जो हैं वो जाएंगे। अच्छा जी ये इस तरह का लिक्विड होता है, तो ये जाएगा जी इसके अंदर। ये देखेंगे इसके अंदर चला गया है, इसको बंद कर देंगे। ये मैंने किया मशीन को ऑन, ये इसको मैं घुमा के ले आई इस पे। अब इसकी मैंने ये इसका ये दबा दिया बटन। चलें जी ये हमारी मशीन जो है ये ऑन हो गई है। उस तरफ हमारा जो है वो सुखाने वाला ड्रोवर भी जो काम कर रहा है, और बाकी रह गए ये वाले कपड़े। ये जब ये वाले निकलेंगे तो फिर दूसरे वाले बाकी के अंदर जाएंगे। ये जी आज मेरे किचन के अंदर क्या बन रहा है, ये है जी बकरे का गोश्त। आज मेरे को गड़बड़ की होगी, मैंने समझा कि बोनलेस चिकन है तो मैं बनाऊंगी शवार में, लेकिन जब वो फ्रीज उसका टूटा और वो गोश्त पैकेट में से निकला तो वो सिगा बकरे का गोश्त। मैं कहा चलो जी फिर आज बकरे का गोश्त ही खाने हैं, तो साथ में बना रही हूँ मैं ये पकौड़े। इसके अंदर मैंने नमक मिर्च हल्दी ज़ीरा कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अंदर मैंने हरी मिर्च जो जो प्याज आलू जो मसाले थे इसके मैं सारे ऐड किए। और ये है जी योगर्ट, योगर्ट तो साथ में बनेंगे, कुछ सिंपल पकोड़े बनेंगे और साथ में बनेगा कुछ दही भल्ले बन जाएंगे। तो ये जी मैंने साथ में इसके जो है वो ऑयल भी रखा हुआ है, गर्म हो रहा है। तो चलें जिसको करते हैं तैयार। ये मैं दही जो है ना थोड़ा सा इसके अंदर भी ऐड करूंगी, क्योंकि इससे बड़ा ही नरम और खस्ता पकोड़े बनेंगे। ये जी मैंने दही के अंदर प्याज ऐड कर दिए हैं, ये हैं पकोड़े और ये पकोड़े यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। और ये बकरे का गोश्त है, ये भी मैंने अच्छे तरीके से इसको भून लिया, इसका ऑयल इसने छोड़ दिया। बस ये ऐसे ही खाएंगे क्योंकि बच्चे इतना शौक से खाते नहीं है, तो बस मैनू ही यही पकाओ तो इन्ना ही खावो बहुत है। तो ये साथ में बनेंगे दही बल्ले और साथ में ये पकोड़े बनेंगे। तो आज मैं ए कुछ बनाया, ए कुछ किया। और जी स्कूल से हो गई हैं छुट्टियां और पूरा बच्चे भी रहेंगे हफ्ता पूरा घर और मैं भी। और ये जी आया रात में मज़ेदार सा केक। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दुआओं में रखें याद और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी अल्लाह हाफिज़।